अब तक आपने देखा? हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रियोम और बिंदिया हमसे कुछ छुपा रहे हैं? वो ना हो, इन दोनों के बीच जरूर ऐसा कोई राज इसकी वजह से प्रियोम चुप। पर ये अचानक गणेश स्थापना किस खुशी में हो रहा है? जीजी ने ना मन्नत मांगी थी, जिस दिन भूषण और फूलन का परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा तब से हर साल इस हवेली में गणेश पर्व मनाया जाएगा। इसीलिए आज की आरती आरती उनमें ही करेंगे। अब देखिए आगे। इस घर में जिसे देखो हमारा बेइज्जती करता रहता है, हम भी नहीं छोड़ेंगे। अभी बतलाते हैं बुद्धि अम्मा कि हम क्या कर सकते हैं। चुप काहे खड़ी हो? इतनी बेइज्जती की बड़ी अम्मा ने कुछ बोलो कि नहीं? उसने तो कहा था इस घर में पूजा पाठ बंद करवा के छोड़ोगे, क्या हो गया? रोकती काहे नहीं पूजा? उस दिन भी हमारी मर्जी थी और आज भी हमारी मर्जी। मर्जी? इन मर्जी का कारण हम? क्या करने वाले हो? दरवाजा तो बंद है ना? देखिए गुड्डी जी, दिल में रहने वालों को ना खिड़कियों और दरवाजे जैसी बंदिशें रोक नहीं सकती। रात भर तुम्हारी याद में तड़प कर पासे पलटते रहे, तुम्हें याद में तकिए को आप समझकर उससे लिपट गए। सवेरे होते ही हम तुमसे मिलने आ गए। तुम्हें बना हमारा दिल नहीं लगता। नहीं डोंट, कोई आ जाएगा? अरे गुड्डी जी कोई नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है। हम है ना आपके साथ, मोहब्बत करते हैं आपसे, आइए ना। देख लिया तुम? कोई नहीं देखेगा, हम है ना आपके साथ। देखिए ना बुद्धि, मिथिलेश भैया। हमारे प्यार का मजाक उड़ाया ना गुड्डी जी, अब इसी प्यार की आड़ में हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। आपको पता है ना क्या करना है? हाँ।
अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो आप जानती नहीं हम क्या करेंगे। क्या करोगी? वो सारे चूहे आपके कमरे में छोड़ देंगे। ना ना। हाय 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 हाय, देखो तो पूरे घर में गंद मचा दिया है चूहों ने। हाय रे, सत्यानाश कर दिया कपड़ों का। अरे झुमरी, इले इले पकड़। ले लेके जा, धोबी के पास लेके जा। बोल अच्छे से धुलाई करके ना, इस तरीके करके फिर वापस करे। हाँ जा। जी ठाकुर। सुन, वापस करने के बाद ना सारे कपड़े यहीं पे रख देना, भूला नहीं। जी ठाकुर। आखिर साबित हो ही गया है? रेखा देवी, आप है सास पूनम की। अब शुरू होगा हमारा बहुरानी का तमाशा। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी ठाकुरान जी वहां है, जाइए। पाए लगू बड़ी ठाकुरान। खुश रहो, खुश रहो। अरे वाह, गणेश जी तो बहुत सुंदर है। वैसे आज की आरती कौन करने वाला है? ठाकुर परिवार की परंपरा है, जब भी घर में कोई त्योहार होता है ना तो आरती घर की लक्ष्मी ही करती है। और इस साल हमारे घर में एक और लक्ष्मी आई है, उनमी दुल्हन। शायद बड़ी अम्मा ने गलती से दी थी, हम कुछ और करें। सारे कपड़े कहाँ गए? और लाखन ठाकुर के कपड़े भी नहीं। बाहर किसी से मदद मांग। कैसे बोल, माया भाभी को फोन करके बुलवा लेते। इन्होंने फोन कहां रख दिया? अब क्या करें? बड़ी ठाकुरायन, बहुत ही इंतजार कराती हैं आपकी छोटी दुल्हन तो। आज पुनमी इतना समय क्यों लगा रही है? पता नहीं है इन वक्त पर बिंदिया कहाँ रहेगी। लोगों के ताने जो अभी पूनम पर बरसने वाली है,
वो सुनती ना तो उसको भी मजा आ जाता। अगर ये कपड़े पहनकर हम बाहर गए और किसी ने देख लिया तो? नहीं, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते। गणेश जी की स्थापना हो रही लखन ठाकुर। कल हम फेल हुए पर आज ना लाखन के हाथों दुल्हन रानी की अच्छी खातिरदारी करवा के रहेंगे। हाँ बेटा, कहाँ जल्दी है? देखो ना, गणेश जी की आरती शुरू होने वाली है। पूजा पाठ में हमको विश्वास नहीं है। मत रखो, पूजा पाठ में विश्वास बिल्कुल ना रखो। लेकिन वो कहा है ना, घर वालों की खुशी के लिए ना कभी कभी मन मार के भी कुछ काम करना पड़ता है। रुक जा बेटा। कौन से घर वाले? धीरे धीरे बोलो बेटा, ऐसे पक्का करे। लोगों के लिए यही हमारा परिवार है। अरे अम्मा, तुम्हारा ये बकैती पुराण खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन दुल्हन, दुल्हन की नई नई शादी हुई है, पहला त्योहार है शादी के बाद, अच्छा नहीं लगेगा उसको। तुम ऐसे चले जाओगे, 100 बातें उठेंगी, 100 सवाल करेंगे लोग उसी को। थोड़ी देर की बात है, रुक जा, आरती के बाद चले जा। तुमको आराम से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा ना? लो, ये मौका भी हाथ से गया। ऊपर अरे गणेश जी, कैसा कैसा नमूना हमारा ही झोली में डाल दिए हो जी। पति गुलाम, बेटा गुस्से, बहुत चुरे। कम से कम आज का दिन, आपके प्रतिष्ठा के दिन, हमको भी तो मौका दे दिए होते कि बेटे के हाथों ना बहू को अच्छे से मजा चखा कर हम भी बिंदिया की नजर में अपना सास वाला पोजीशन जो है वो प्रतिष्ठित कर पाते। पर नहीं, देर हो गई, अब तक कोई आया क्यों नहीं? माया भाभी के कमरे में जाकर उनकी अलमारी से कोई साड़ी ले लेती। लेकिन ऐसे जाएं कैसे? आपने बड़ी देर लगा दी तैयार होने में, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम खुद ही चलें आपको लेने। चलिए। पूनम जिठानी।
चलिए। पूनम ठकुराई, वैसे इस परिवार की बहू के लिए ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। लेकिन क्या करें, अब जेठानी जी को यही कपड़े पसंद हैं तो। लेकिन अगर अच्छे घर की लड़कियां ऐसी होती हैं तो इनसे हम नचनिया ही बेहतर हैं। क्या पहनी हो दुल्हन? अपनी नहीं तो कम से कम हमारे बेटे की इज्जत की तो सोचती। देखिए, हम तो मजाक किए थे पर तुम तो सच्चे ही सारी शर्म लिहाज खोकर बैठी हो पूनम। राम 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 राम, हमारी बिटिया भी कॉलेज जाती है फिर भी आज तक हम उन्हें कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनने दिए। बोल लिया सबने जो बोलना था, तुम सबने जो देखा उस पे अपनी धारणा बना ली। लेकिन कभी कभी आंखों देखा झूठ भी होता है। हमें अब भी यही लगता है कि जो कुछ पुनमी ने किया उसके पीछे जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन आग में घी डालकर तुमने अच्छा नहीं किया बिंदिया दुल्हन। हाँ, इसने क्या किया? गलती जिसने की है वो आपके सामने खड़ी है। देखिए बड़ी अम्मा, देखिए। रेखा दुल्हन, हम अभी इतने बुढ़ाए नहीं हैं कि हमें तुम्हारी नजर से दुनिया देखनी पड़े। उनमें ने जो कुछ किया, अगर आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है तो हम इसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगते हैं। पर हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम सब कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, कण कण में बसे हैं, तो फिर वह कुनमी के कपड़ों में भी तो बसे हैं। और कौन से गीता पुराण में ये लिखा है कि जीन्स और टी शर्ट पहनकर पूजा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं? और अगर भगवान किसी चीज से नाराज होते हैं तो वह है इंसान की गंदगी। लेकिन अगर किसी का मन साफ हो और आत्मा पवित्र हो तो भगवान उसे हर रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन अगर अभी भी किसी को एतराज जताना हो तो शौक से जताइए, लेकिन तब
जब आपने किसी का बुरा ना सोचा और आपके मन में कोई पाप ना, है कोई ऐसा यहाँ पर? अगर है तो सामने आइए। हम वादा करते हम आरती पूनम से नहीं, उससे करवाएंगे।